Hello Taurus, welcome back. I Enigma channel Hindi and आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूंगी जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा पूरा महीना 2024. हैप्पी न्यू ईयर. देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंड ये होगा सन मून राइजिंग विनस साइन और क्रॉस वॉचर्स के लिए. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को भूलिएगा नहीं. एंड मेन चैनल है आई एनिग्मा, वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब करिए. ओके, 2024 टॉरस. एक साइकिल आपकी लाइफ में ना, एक पीरियड आपकी लाइफ में कम्प्लीटली एंड हो रहा है. फाइनली आपको अब जो भी पास्ट बैगेज था वो आपकी लाइफ से हट रहा है. हो सकता है कि स्कॉर्पियो या किसी सैजिटेरियस के साथ आपकी एंडिंग हो रही है फाइनली. क्वीन ऑफ कप्स. आपकी लाइफ में ना न्यू लव आएंगे. सबसे पहले तो सेल्फ लव रहेगा. आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए प्यार, अपने लिए केयर रहेगी. और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनकम में ग्रोथ है, प्रमोशन की चांसेस बहुत हाई हैं, नए जॉब की चांसेस बहुत हाई है, सैलरी बढ़ने की चांसेस बहुत हाई हैं. और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने करियर में ना नेक्स्ट स्टेप में जाने की कोशिश कर रहे हो टॉरस. नेक्स्ट स्टेप में जाना चाह रहे हो और अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हो और मैच्योरली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अपने एम्बिशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हो. तो हो सकता है कि आप एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. आई फील लाइक ए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आएगी. अगर कोई बिजनेस है तो बहुत तेज़ी से ऊपर चलेगा और बहुत ज़्यादा फाइनेंस में ग्रोथ होना ये मुझे दिख रहा है. बट इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपने करियर के लिए फोकस्ड रहना पड़ेगा. ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है टॉरस. ठीक है जी. यहाँ पे हो सकता है आप दो चीज़ें एक साथ करें. काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप जनवरी फरवरी में भी. एट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी एक्साइटमेंट होने वाली है. कुछ ना कुछ ऐसा काम जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है. हो सकता है आप कोई सेमिनार दे रहे हो और बहुत लोग उसको अपलॉड कर रहे हैं. कोई ऐसा काम जिसमें आपकी बात सुनी जा रही है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और आपको आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर आप बहुत ही मेजर इम्पैक्ट छोड़ने वाले हो. वहाँ पे मेजर आपका इन्फ्लुएंस रहेगा. हो सकता है किसी सेमिनार में गए और वहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस बहुत सॉलिड रहा. कोई आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो. अब आ रहा है हमारे पास नाइन ऑफ वांड्स. टॉरस नाइन ऑफ वांड्स एनर्जी. सेवन ऑफ कप्स. लव लाइफ में थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि यार कोई भी नहीं आ रहा, मतलब जिस टाइप के पर्सन मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहे. कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो उसमें कहीं ना कहीं आप होपफुल कम हो. ठीक है, आप ज़्यादा ओपन नहीं हो किसी ऑफर को रिसीव करने में. थोड़ा सा डर है, फियर है कि हर्ट ना हो जाओ. और ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं लेकिन पता नहीं कौन सा सॉलिड ऑफर है, क्योंकि ये सारी ऑप्शंस प्रॉमिसिंग नहीं लग रही हैं करंटली. और आप भी बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ फील कर रहे हो कि श्योर नहीं हो. चैरियट एंड द एट ऑफ सॉर्ड्स. मुझे लग रहा है कि ना यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए. अब अपनी लाइफ में आपको ये सोचना चाहिए कि अब न्यू बिगिनिंग है. मुझे अपने पास्ट के जो फियर्स हैं, जो डर है, उसको हटा के मुझे पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए, पैशनेटली मुझे आगे बढ़ना चाहिए. वो चीज़ आपको मुझे लग रहा है कि करनी है. जनवरी में आप शायद किसी बैगेज से बाहर आएंगे और फाइनली एक फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे. हाँ, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल है टॉरस कि जिसको आपने ब्लॉक किया या जिसने आपको ब्लॉक किया वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं. ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कोई पर्सन आपको जनवरी से अनब्लॉक करेंगे या फिर आपने उनको ब्लॉक किया था तो ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे अदर वे से ताकि आप दोनों फिर से रिकनेक्ट हो जाओ. बट द ट्रूथ इज कि जो भी पर्सन पास्ट से आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके लिए अभी भी टॉक्सिक हैं एंड अच्छे नहीं हैं. तो अपना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा. आप आगे बढ़ रहे हो, नए लव ऑफर्स आपके पास आएंगे. ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा जनवरी में. ट्रैवल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, बिकॉज ये आपको एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा.
ग्रो करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि थ्री ऑफ वंड्स इस एक्सपेंशन के साथ ही, इस ट्रैवलिंग, इस बिजी लाइफ के साथ साथ आपकी, आपको कोई पर्सन मिलेंगे, इन पर्सन मिलेंगे फेस टू फेस, और उनके साथ आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक रिलेशनशिप ऑफर आपको आने वाली है, बट आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो, क्योंकि प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, हर्ट नहीं होना चाह रहे। यहाँ पे मैरिज का ऑफर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, मुझे लग रहा है 2024 आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। यहाँ पे क्या है कि पॉसिबल है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको ऑफर दे सकते हैं, मैरिज का ऑफर दे सकते हैं, हो सकता है कि आप उनके साथ, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। बट ये बहुत ही बड़ा कॉशन वाला मैसेज है टॉरस के, आपको पास्ट पर्सन के पास नहीं जाना, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट लेकर आएंगे, फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। इससे बेटर है आप अकेले रहो और अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, लाइफ में बढ़ो, आगे बढ़ो। यस, आपकी लाइफ में नए पर्सन आ रहे हैं, 100% आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स होंगी उनके आपके लिए। सो एक नए पर्सन के पास की तरफ फोकस करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। सिक्स ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है इस पेशेंट पीरियड में, जिस पीरियड में आप अकेले, जितनी देर तक आप अकेले हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, पूरी तरह से जियो और 100% दो, और बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज और सक्सेस और अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आने वाली है। एक फायर होगा आपके अंदर, पैशनेट होंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रो करेंगे, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होगी। यस, काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा आपको अपने अंदर, ठीक है। अकेले रहना इज़ बेटर अपनी लाइफ में, रादर देन कि आप गलत पर्सन के साथ रहो। तो आप कोई है नए पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, स्कॉर्पियो पाइसिस कैंसर, और जैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनके मन में फीलिंग्स एकदम से जागेंगी और आपकी तरफ बढ़ेंगी, तो आप एक नए रिलेशनशिप में आने वाले हो। और द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि कितने इंडिपेंडेंट हो आप, और एट द सेम टाइम आप बहुत जेंटल एंड सॉफ्ट हार्टेड भी हो, तो आप किसी का दिल लेने वाले हो, हाउएवर यू से इट। सो मैसेज आपके लिए, एडवाइस आपके लिए है कि लीप ऑफ फेथ लो, ट्रस्ट करो अपने गट इंस्टिंक्ट को, ट्रस्ट करो कि ये पर्सन अच्छे हैं और आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस, आई होप आपको अच्छी लगी, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कैसी लगी। और टॉरस इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करो, एनिग्मा पे आपको डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। आई विल सी यू बैक अगेन, बाय।